तालियां बजाइए फॉर वेरी वर्सटाइल फिल्म फेयर अवार्ड विनर उर्मिला मातोंडकर. जानम समझा करो 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 जानम समझा करो. माइंड ब्लोइंग. थैंक यू सो वेरी मच. एक्चुअली मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस मंच पर आकर. कहने वाले और लिखने वाले तो लिख कर गए हैं कि हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, बट मैं दिल से ऐसा समझती हूँ कि हर दिल जो गाना गाता है वो पूजा करता है. आहा, क्या बात है, क्या बात है. देखिए जैसे सात सुर होते हैं, जिंदगी के भी कई कई अलग तरह के रंग होते हैं, और उन सारे रंगों को रंगीला बनाने के लिए मेरे साथ लाई हूँ एक खास स्पेशल सा रंगीला बैच. उस सिंगर को मिलने वाला है आज जो अपने सुरों से हमारे दिल के तार 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 कर दे. Look at that, look at that. Everybody, big round of applause once again for Urmila ji. Here we go. दोस्तों आज हमें मिलने वाले हैं इंडियन आइडल सीजन 14 के टॉप 6 फाइनलिस्ट. प्रेजेंटिंग कोहिनूर सी नायाब आवाज वाली पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आदिया मिश्रा. Go.
आदिया बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत ही मुश्किल गाना है परफॉर्म करने के लिए. दो तरह से चलता है, बहुत ट्रैजिक भी है लेकिन उतना ही पैशनेट भी है, तड़प भी है उसके अंदर. बहुत आपने प्यारा गाया, बहुत दिल को छूने वाला परफॉर्मेंस था. यू आर वेरी वेरी क्लोज टू द फाइनल्स. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच. मुझे तुम्हारा जो गाने का शुरू का जो पार्ट था, जहाँ से तुमने शुरू किया, जो पहला प्रील्यूड जो था, वो बहुत अच्छा लगा मुझे. हो रांझे मचिया चराया. तुम अच्छा करते करते अंतरे में जाके तुम कहीं ना कहीं तुम्हारा फोकस हिल गया, एग्जीक्यूशन में थोड़ी कमी रह गई. जजेस स्कोर प्लीज. दोस्तों आज एक मिनट ऐसे जल्दी जल्दी आगे थोड़ी जाएंगे. से मेरी तरफ ना देखो, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा. ये प्यार हो गया तो तीर दिल के पार हो जाएगा. प्यार से मेरी तरफ न देखो, प्यार हो जाएगा. ये प्यार हो गया तो तीर दिल के पार हो जाएगा. बातें होंगी के नाम बदनाम तेरा मेरा, यार हो जाएगा. ओ प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा. इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा. सोनू की तरह ये प्यार हो गया तो तीर दिल के प्यार हो जाएगा. आपसे मेरे को आज क्या है कि कुमार सानू का गाना सोनू भरसन सुनने को मिला. जैसे कि इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा. तो ये जो बहुत सारी जगह जो एकदम लगा के आज सोनू ये गाना गाते हैं तो ऐसे ही गाते. ये प्यार हो गया तो तीर दिल के बहुत अच्छा लगा. ये तू ऐसा नहीं सोचना कि मैं खराब बोल रहा हूँ, नहीं, नहीं, तेरा तारीफ ही कर रहा हूँ मैं. थैंक यू. तूने बहुत जबरदस्त गाया. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. ये परफॉर्मेंस हिट से ज्यादा लिट है. इस प्यार से मेरी तरफ
पीयूष को ऑनेस्टली ट्रॉफी का हकदार समझता हूँ. Genuinely deserving candidate. Thank you, sir. सच में बहुत बड़ी बात है. Thank you, sir. Thank you. Honestly, it was beautiful. और मुझे बल्कि याद आ गई the one and only iconic शाहरुख खान जी की. इनकी आवाज, उनकी अदायगी और वाह क्या ही मैं कहूँ. बहुत प्यारा आपने वो निभाया आज, बहुत ही प्यारा. और एक बहुत ब्यूटिफुल सी सॉफ्टनेस है आपके वॉइस में, जैसे रफ़ी साहब की आवाज़ में हुआ करती थी. और फिर आप तो मैंने सुना है एक्टर भी हैं, तो मुझे लगता है ये जो यहाँ पे मेरे लेफ्ट और राइट में बैठे हैं, ये सारे ही लोग अपने आप में इतने बड़े एक्टर हैं. एक्चुअली हम तो सिर्फ पर्दों के सामने करते हैं, तो हमारे आधी चीज़ें ये आसान कर देते हैं. ये पीयूष जी जो है, इनका जब से मेकओवर हुआ है अंदाज कुछ नहीं, बहुत ज्यादा बदला हर हफ्ते. तो मुझे लगता है इनके साथ कुछ मस्ती मजाक और थोड़ा सा मुन्ना वाला मैजिक किया जाए. आप मुन्ना, मैं मिली, आप मिली, ठीक है, बिल्कुल मैम, आइए. क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल मेरे भाई. यहाँ सब जानता है उनको. अच्छा, बोलना कहाँ बैठेगी, बोलना. यहाँ बैठे. हाँ बैठना बैठना. बाप रे. ए, क्या बोलता है, एकदम खतरी मामला है. कौन है भाई तू? अरे तो सर, ये तो पीछे भाग रही है. पीछे भाग रही है. मुन्ना सब तो देख रहे हैं यार. अरे कोई खिदमत करने वाला है कि नहीं इधर? अरे ओए बंटी. ओह क्या बात है. सर सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर? या करेक्ट. अरे मुन्ना क्या कर रहे हो, वो तुमको पूछ रहे हैं तुम क्या खाओगे. अबे तो हिंदी में डकार मारना, अंग्रेजी नहीं आता है उनको. अच्छा चल बता क्या है खाने को, क्या है. सर वुड यू लाइक टू ट्राई अ रशियन सैलेड और फ्रेंच फ्राइज और समथिंग लाइक दैट. ये अंग्रेजी आइटम नहीं चाहिए उनको, कुछ ऐसा ला जो अंग पे लगे. अरे देख काम कर, एक प्लेट कांदा काट के ला. अरे 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 मुन्ना, ये क्या कर रहे हो तुम, ये सारी चीजें यहाँ नहीं मिलती. नहीं मिलती? नहीं सर. अबे क्या थकेली जगह है यार, खाली टेबल कुर्सी पे ही खर्चा किया क्या तुमने, खाने पीने पे नहीं किया. बात है यार, क्या एक्टिंग कर रहे है. थोड़ा फैन वैन चालू कर. इट इज ऑन सर. हाँ तो इधर घुमाना यार. हमारे वेटर भाई कहाँ गए, आओ भाई बाहर आओ. सारे के सारे एक्टर हैं इस सेट पे, तो ये हो क्या रहा है. क्या बात है, ये उर्मिला जी का असर हो रहा है. थैंक यू सो मच. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. कोई तो बता दे इसका हल तो मेरे भाई, एक तरफ उससे प्यार करें हम और उसको हम कहते से करें. Well done Piyush, well done. Fabulous, बहुत बढ़िया यार. I was truly shocked. हाँ पीछे सरक ले लिए, तो सरक ले लिए चेयर, सरक ले लिए. पूरा बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो गया उसका. फाइनलिस्ट बनने की दौड़ में पूरे चौड़ से परफॉर्म करने आ रही है देश की बेटी. पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अनन्या पाल. किसी को प्यार दे दे, किसी का प्यार ले ले, इस सारे जमाने
मार अच्छा लगा क्योंकि ये गाना इजी नहीं है, वो तन्हा तन्हा का जो अंतरा है वो बहुत मुश्किल है। कितना नोट चेंजेस है एंड हैट्स ऑफ टू यू, यू डिड अ फैबुलस जॉब एब्सोल्युटली। ये गाने में जो एक्स्ट्रा ऊम्फ है वो लाना बहुत मुश्किल है, वो वन एंड ओनली आशा भोसले जी ही कर सकती है और कोई नहीं। अनन्या आपने इतना प्यारा गाया, इतना प्यारा गाया कि मुझे बहुत मज़ा आया। और इस फिल्म के दौरान जब फिल्म ख़त्म हुई और मैं डबिंग के लिए गई थी, जब मैं डब कर रही थी तो आपको बार बार वही चीज़ें वापस देखने को मिलती है, अपना परफॉर्मेंस, दूसरे का परफॉर्मेंस। तो मैंने आमिर के लिए वहाँ खड़े खड़े खत लिखा कि यू नो इसके बाद तो आपको इस किरदार के लिए बहुत सारा प्यार और यू नो अप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सबसे पहला फ़ैन मेल इसके लिए मैं आपको लिखूँ। तो मुझे ऐसे लगता है आपकी ये जो सारी जर्नी और आज आपने जो मेरे लिए ये गाना गाया है उसके लिए मैंने आपके लिए भी एक मेल लिखा है। With all my love and blessings and this is what I want to give you for your upcoming journey. जाए दे, मिलके धूम मचाए रे।
ये गाने अगर हम ये गानों जिन्होंने मतलब how can you not मतलब form the lines properly Vishu ma'am if you don't mind अगर हम आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं दे रहे हैं मैं चाहती हूँ कि Indian Idol के सारे contestants और judges इसके ऊपर मेरे साथ आके हो जाए रंगीला रे में रंगीला हो जाएंगे आइए आज तो मेरा इज्जत गया ये बात यस 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 इश्तेहार पे सच्चाई की मोहर लगाने और अपना जौहर दिखाने आ रहे छोटे सेठ जी कानपुर वाले और यहां टुगेदर फॉर वैभव गुप्ता ओम नमः शिवाय हर हर महादेव आज मैं बाबुलनाथ महादेव जी के दर्शन करने आया हूँ उनके मंदिर में जय हो शंकरा आदि देव शंकरा मेरा मन बहुत ज्यादा विचलित था और क्योंकि फिनाले भी आ गए हैं पास में तो मैं इनके पास आया था ताकि इनसे सब कुछ शेयर कर सकूं इनसे सब कुछ बता सकूं और मैं थोड़ा और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाऊं और कमाल का परफॉर्म करूं इनके पास आकर खूब मेरे आंसू भी आए इनसे प्रार्थना करने आया हूं कि आप यहां तक लाए हैं ट्रॉफी जितवा कर ही कानपुर भेजे प्रसाद मैं आप सबके लिए लाया हूं हमारे सारे कंटेस्टेंट्स के लिए भी मैंने सबके लिए मांगा है भगवान से और अपने शो के लिए आप सबके लिए मैंने मांगा है तो ये प्रसाद और उनका आशीर्वाद मैं आपको देता हूं यार क्या बात रहता है जब तक ये कम वक्त जन्नत दिखाता है जब तक ये कम वक्त
सपने में मिलती है, वो कुड़ी मेरी सपने में मिलती है। सपने में मिलती है वो कुड़ी मेरी सपने में मिलती है। सारा दिन घूंघटे में बंद कुड़िया सी, सारा दिन घूंघटे में बंद कुड़िया सी, अखियों में खुलती है, गोरा चिट्टा रंग है, चांद का पलंग है, चांदनी में धुलती है ओ कुड़ी मेरी हाँ, ओ कुड़ी मेरी हाँ। दूध का उबाल है, हंसे तो कमाल है, मोतियों में धुलती है। सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है। सारा दिन घूंघटे में बंद कुड़िया सी, सारा दिन घूंघटे में बंद कुड़िया सी, अखियों में खुलती है। माथा टेक के आए हो, वो ऊपर वाला आपको आशीर्वाद दे रहा है। वो जोश, वो पावर जो चाहिए, वो आज आपके परफॉर्मेंस में दिख गया। वो आशीर्वाद कमाल, बहुत कमाल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मुझे बहुत अच्छा लगा वो अंतरा जो आशा जी की हरकत है, वो हाँ कुड़ी मेरी हाँ, वो हंसा भी उसने, मतलब वो आशा जी की हंसी सुनी है मैंने आज तक, वैभव ने हंस दिया वो। थैंक यू सो मच। ट्रॉफी हमारे पास चार पांच होता तो अच्छा होता। भौकाल भौकाल मचा दी। अजी एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इतने सारे गाने उन्होंने मेरे फिल्मों में गाए हैं, तो एक छोटा काम करवा ही ले शानुदत्त से, क्या कहते हो? बताओ, वैसे तो काफी सारे हैं, लेकिन आज बताती हूँ मेरा एक और एक फेवरेट कौन सा है। लव हुआ गाइए, अब ये ना पूछो ये कब हुआ। बहुत अच्छा, लेकिन आप इतना अच्छा गाते कैसे हो सर? टैलेंट है सर, प्लीज सुर देना, सुर देना। लव हुआ, एक मिनट एक मिनट, मैं भूल गया भाई। हाँ श्रेया, थोड़ा सा हेल्प करना मेरे को। लव हुआ, लव हुआ, ये ना अब ये ना पूछो, अब ये ना पूछो ये कब हुआ, कब हुआ हमको खबर है, हमको खबर है ये कब हुआ। उस दिन दादा ने 17 और गाने गाए होंगे, तो ऐसा होता है। अच्छा चल टेक। लव हुआ अब ये ना पूछो ये कब हुआ, लव हुआ हमको खबर है
ये कब हुआ, कब हुआ? दोनों ने चाहा, ये तब हुआ, फाइनलिस्ट बनने के लिए आ रहे हैं आइडल का गुरूर और कोलकाता की उम्मीद, पूरी हैंड्स के लफो उस्ताद शुभदीप दास चौधरी। शुभदीप, आपके बहुत सारे फैंस हैं, लेकिन कुछ काफी क्यूट फैंस हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। प्लीज वेलकम किशन गोपाल राजपुरा वन प्रस्थ आश्रम से हमारे बहुत ही खास शुभदीप के फैंस, लेट्स वेलकम देम। ये जो आपका परिवार है इसके बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे। हम लोग यहाँ पे 150 आदमी का परिवार, हम लोग का हर एक आदमी कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे आए, लेकिन अभी वो सब प्रॉब्लम भूल के हम लोग यहाँ पे ऐसे रह रहे कि ये बड़ा परिवार हो गया। ये आश्रम नहीं है, एक बहुत बड़ा घर है और यहाँ पे सब सुविधा है हम लोग की। हम लोग सब साथ में देखते हैं आपका प्रोग्राम सैटरडे संडे, और ये जब गाते हैं तो भी एकदम मग्न होना होता है। हमारे महाराष्ट्र का पूरा सपोर्ट आपके साथ है। शुक्रिया, शुक्रिया। सामने हम काबू में कैसे रहे, जाओ हमको तो आती शर्म है तेरी ऐसी अदा पे तो फिदा हम है। सितम है कैसे ये जिद करने लगे, जब तुमने क्या क्या सोचा आगे आगे हम तो अब डरने लगे। अरे सोचा ये है कि रात और दिन तुम्हें प्यार करेंगे हम, बोलते हो क्यों ओ जाने मन मेरे प्यार से। सामने हम काबू में कैसे रहे, जाओ हमको तो आती शर्म है तेरी ऐसी अदा पे तो फिदा हम है।
आपका नाम सुपर दीप है, हर बार सुपर सुपर करते हुए आता है। तो सुपर दीप के लिए हमारी तरफ से बनता है भाई ये परफॉर्मेंस हिट से ज्यादा लीडर। इट वाज सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच, बहुत खूब, मतलब जाओ ना रे आती शर्म है, वो शर्म में भी तुमने इतने डेलिकेट तरीके से गाया, वो फीमेल लाइंस है। जाओ हमको तो आती शर्म है। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। सारी शुभकामनाएं आपके साथ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोलकाता तो ट्रॉफी जाने के पूरे 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 चांसेस है इस बार सुभोजित, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, पूरी कोशिश करूंगा। आज जो हमारे ये स्पेशल गेस्ट आए हैं उन्होंने इतने सारे आशीर्वाद सुबह को तो दे दिए, अब मैं चाहती हूँ कि कुछ आशीर्वाद मुझे भी इनके द्वारा मिल जाए। क्या बात है, क्यों ना हम इनके साथ थोड़ा सा नाच नाच के छम छमा के छम छम छमा छमा कर ले। आइए हमारी अगली सिंगर अंजना 10 साल पहले भी इस मंच पर रॉक करती थी और आज भी अंजना फिकेशन से वो सबको शॉक करती है, लेकिन 10 साल पहले तो अंजना के हाथों में आइडल की ट्रॉफी थी। अब देखते हैं क्या आज इनके सर पे फाइनलिस्ट का ताज होता है या नहीं। फाइनलिस्ट बनने का दावा लेकर आ रही है अंजना पद्मना। मसाले ले हर घड़ी आई है
Anjana. It was a must, must, must performance. Hey, must. आप खुद रॉक स्टार करके जानी जाती है और ये गाना भी गाया भी रॉक स्टार ने है, सुनिधि चौहान, वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स ऑफ द कंट्री. हमारे साथ थी वो हमारी फर्स्ट वर्ल्ड टूर के लिए और विंग्स में खड़ी रहती थी एक टॉय गुड़िया लेके एंड वो देखती रहती थी. और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मेरे ही साथ उनका डेब्यू हुआ. और मुझे आपकी खासियत ये लगी कि आपने जिस तरह से अलग अलग छोटे छोटे नुआंसेस इसमें गाने में अपने लाए हैं, इम्प्रोवाइज करके अपने ही तरीके से उसे प्रेजेंट किया, जो बहुत बड़ी बात है कि सुनिधि के गानों के साथ ये सब कर पाना. बहुत ही प्यारा लगा मुझे आपका परफॉर्मेंस. यू ट्रूली आर अ रॉक स्टार विद योर स्पेशल एबिलिटीज. थैंक यू सो मच. ये गाने जब आए सब कुछ बदल रहा था. म्यूजिक कॉम्पोजिशन की परिभाषा बदल रही थी. संदीप चौटा यू नो ब्रिंगिंग न्यू साउंड्स. उर्मिला जी वॉज रीडिफाइनिंग कि मतलब हीरोइन कैसे दिखती हैं, किस तरह की रोल्स करती हैं. सुनिधि वॉज रीडिफाइनिंग हाउ फीमेल्स आर सीन इन प्लेबैक सिंगिंग. एक फीमेल वॉइस कितने थ्रो, कितने पावर के साथ, इतनी बुलंद आवाज़ के साथ लोगों तक जा पा सकती है. सो एवरीथिंग वॉज चेंजिंग एट दैट टाइम. एंड आई थिंक इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर एक शख्स स्टेज पर है, यू आर द परफेक्ट पर्सन फॉर इट. बिकॉज आगे जाके आप भी 100% कुछ इनोवेटिव, कुछ नया जरूर करोगी. यू विल चेंज द गेम फॉर श्योर. थैंक यू सो मच. मेरे को ऐसा लगता है कि तुमको फाइनल में जरूर मैं देखूंगा, ऐसा लग रहा है. जजेस पोज प्लीज. थैंक यू अंजना. सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन लेकर आ रहा है मैडनेस. बचाएंगे इंडिया को, हंसाएंगे. प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर कानपुर के हर्ष गुजराल. Everybody, put your hands together for National Crush, Obom Tango! Wow. ब्यूटीफुल. पहले तो ये जो गाना है हमसे तुम दोस्ती कर लो,
ये मेरी जिंदगी का सबसे पहला बतौर हीरोइन गाना था. गाने में इतनी मिठास और खूबसूरती है और वो आज आपने बहुत प्यार से पेश की यहाँ पर. थैंक यू. वंडरफुल परफॉर्मेंस. आप पता नहीं हर गाने के साथ ना आप अपना एक मैजिक लाते हो. इस गाने में आपने अपनी आवाज भी थोड़ी बदली. एंड आई एब्सोल्युटली लव द वाइब ऑफ द सॉन्ग. बट टेक्निकलिटी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम था वो. ओके, ऑल द बेस्ट. थैंक यू मैम. अभी हम लोग फिनाले के नज़दीक आ चुके हैं. टॉप सेवन में चल रहा है अभी. थोड़ा और बेहतर गाना पड़ेगा एंड आई थिंक तू कर दिखाएगा. हाँ, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. थैंक यू सर. जस्ट कोच प्लीज वंस अगेन फॉर बॉम दांगू. सारे परफॉर्मेंसेस हो चुके हैं लेकिन सबसे ज्यादा किसकी परफॉर्मेंस में आपको मजा आया? रंगीला वाला बैज किसे जाएगा? यहाँ पे सात लोग जो विराजमान हैं आज वो अपने आप में कितने बड़े स्टार हैं मुझे किसी को भी बताने की वाकई जरूरत नहीं है. Awesome. Big compliment for all of you. आज मेरे ख्याल से ये तो जाना चाहिए पी 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 प्यारे पीयूष को. आपको उर्मिला जी से रंगीला वाला बैच तो मिला ही है. mm-hmm. पर एक और बहुत कमाल की न्यूज आपको देती हूँ और आप वो हमारे पहले कंटेस्टेंट हैं जो फाइनल्स में जा रहे हैं. एक फाइनलिस्ट हमें मिल चुका है. बाकी पांच नाम इस वक्त मेरे पास इस लिफाफे में है. हमारे अगले फाइनलिस्ट जो जा रहे टॉप सिक्स में उनका नाम है उस्ताद शुभदीप दास चौधरी. इंडियन आइडल सीजन 14 का आखिरी फाइनलिस्ट जो टॉप सिक्स में जा रहा है वो नाम है आदिया मिश्रा. ये है हमारे टॉप सिक्स फाइनलिस्ट ऑफ इंडियन आइडल सीजन 14 और इनमें से कोई एक बनेगा इंडियन आइडल. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज.